पिछले 2.5 साल से हम लोग एक जंग लड़ रहे हैं। छोटी छोटी 8 महीने की बच्ची, 1 महीने की बच्ची, कभी 1 साल की, कभी 2, 3, 4 साल की बच्चियों के साथ बर्बरता से बलात्कार किया जा रहा है इस देश में। कभी पत्र लिखे, सुझाव दिए, नोटिसेस इशू करे, दिन रात काम किया, हद तो तब हो गई जब 5.5 लाख पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को पहुंचाए, पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम क्या मांग कर रहे थे? हम बस यही मांग कर रहे थे कि कम से कम छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो हर हाल में 6 महीने में फांसी की सजा देनी चाहिए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सब जगह से थक हार कर मैंने ये अनशन शुरू करा। मुझे नहीं पता था कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी। एक दिन निर्णय लिया और अगले दिन मैं अनशन पे बैठ गई। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बस अकेले ही लड़ूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस तरह पूरा का पूरा देश साथ आ जाएगा। चेन्नई से लेके नागालैंड से लेके राजस्थान से लेके जम्मू कश्मीर तक हर इंसान आज इस लड़ाई में जुड़ा, जिसका नतीजा ये है कि एक दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री जी को अपनी विदेश यात्रा से वापस आते ही कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलानी पड़ी और कैबिनेट ने एक सख्त कानून पास किया और चंद घंटों में राष्ट्रपति जी ने उसे अध्यादेश के रूप में पारित किया। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि हर हाल में छोटे बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, स्पेशल पुलिस टीमें बनाई जाएंगी और ये सारा का सारा काम 3 महीने के अंदर अंदर होगा। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं। मुझे लगता है आज़ाद भारत की ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। बहुत कम आंदोलन ऐसे होते हैं जिनमें 10 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट मिलता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि ये आप सबकी जीत है, ये उन सारे लोगों की जीत है जिन्होंने 40 डिग्री तापमान में भी यहाँ बैठ के मेरा साथ नहीं छोड़ा। दिन ब दिन ब दिन भीड़ बस बढ़ती चली गई, ये उन लोगों की भी जीत है जो यहाँ नहीं आ पाए लेकिन अपने घरों से उन्होंने हमें समर्थन दिया। छोटी छोटी बच्चियों ने पूरे पूरे दिन अनशन रखा, ये इस पूरे देश के हर इंसान की जीत है जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। तो ये जीत है पर हमें ये समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि ये जीत उन हजारों निर्भयाओं की भी है, लाखों निर्भयाओं की है जिनमें से बहुत आज शायद हमारे बीच में भी नहीं है। ऐसी भी निर्भय आए हैं इस देश में जो इतनी क्रूरता की वजह से हमारा साथ छोड़ के चली गई, चाहे कथुआ हो चाहे सूरत हो चाहे दिल्ली की हजारों निर्भयाए हो, इस देश की हजारों निर्भयाए हो जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन भगवान से भी इतनी क्रूरता देखी नहीं गई और इसीलिए 10 दिन में इस देश को इस आंदोलन को ऐसी ऐतिहासिक जीत मिली कि ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ गया। लड़की हूं, मुझे नहीं पता था कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि ये आग पूरे देश में लग जाएगी। मेरे छोटे छोटे सपने हैं लेकिन मेरे को सब कुछ त्यागने की शक्ति बस उन निर्भयाओं के खून भरी चीखों ने दी। बहुत कठिन होता है अनशन, 10 दिन तक मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं ने जिंदा रखा है। दूर दूर से लोग आए, किसी ने मेरा माथा छुआ, किसी ने मुझे ताबीज दिया, किसी ने मेरे पूजा की, किसी ने अरदास की, किसी ने प्रेयर करी, किसी ने दुआ पढ़ी, पर एक चीज सबने करी, आप सबके आंखों से मेरे लिए और इस देश के निर्भयाओं के लिए आंसू टपके हैं और भगवान ने इन आंसुओं की लाज रखी। इस कारण से आज हमारे पास इतना सशक्त कानून है, मुझे बहुत लोगों ने कहा जो मेरे पास आता भी था वो भी उन्होंने भी मुझे कहा अरे बेटी तुम तो बेटी हो तुम कैसे अनशन रख पाओगी। बहुतों ने मजाक उड़ाया एक लड़की अनशन रखेगी, लेकिन मैं सबको बताना चाहती थी
कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। अगर एक लड़की ठान ले तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकती। बहुत कठिनाइयां आई, आज मेरा परिवार मेरे साथ है, लेकिन जब अपना परिवार आपको तिल तिल करके मरता देखता है और जब उनकी आंसू निकलते हैं तो उन्हें झेल पाना आसान नहीं होता। पर मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस माध्यम से देश की सेवा करने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है, हम में से बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि पेट की भूख क्या होती है। हमारे देश में 80% लोग ऐसे हैं जो रात में भूखा सोते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता। मैं हमेशा उनके बारे में सोचती थी, काम करने की कोशिश करती थी, उनकी मदद करने की कोशिश करती थी। पर जब 10 दिन मैंने पेट की भूख महसूस करी तो मुझे सच में समझ में आया कि इस देश के लाखों करोड़ों लोग कितने महान हैं जो रात भर दिन भर भूखा रहकर भी अगले दिन अपने चेहरे पे मुस्कान रखने की शक्ति देखते हैं। मेरा सलाम है उन सारे लोगों को जो इतना कुछ सहकर भी इतना कुछ कर जाते हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आप सब लोग कह रहे हैं हमारी जीत हुई, स्वाति मालीवाल की जीत हुई। आप सब लोगों से बस हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, जीत हमारी हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, पर दोस्तों ये मत मान लेना कि लड़ाई खत्म हो गई है। संघर्ष अभी लंबा है। अगर 3 महीने में सरकार ने जैसे प्रॉमिस करा है ये सारी चीजें लागू नहीं होती तो हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा। मैं तो मरते दम तक लड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी मेरे साथ लड़ेंगे। हमें अपने अंदर भी बदलाव करना पड़ेगा, हमें घरों में जाना पड़ेगा, स्कूलों में जाना पड़ेगा, रेप पे चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। और इसके लिए मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग वॉलंटियर फॉर्म भरें, आंदोलन में हर तरीके से हिस्सा लें। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगी, अंतिम दम तक लड़ती रहूंगी। बहुत लोग कहते हैं हमारे देश में अच्छे लोग नहीं हैं, लोग कहते हैं हमारा मानसिकता खराब हो गई है, पर मैं नहीं मानती। ये जो लाखों करोड़ों लोग एक भूखी बेटी को देख के रोए हैं, ये जो लाखों करोड़ों लोग जो कठुआ और सूरत पे रोए हैं, ये जो लाखों करोड़ों लोग जो धर्म जाति प्रदेश के मतभेद छोड़ के रोए हैं, जिन्होंने दिल खोल के सहयोग किया है, ये बुरे नहीं हो सकते, ये बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। समस्या हमारे कुछ नेताओं में है
जो बदलाव नहीं करना चाहते और उल्टा लोगों पे थोपते हैं। अंत में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत 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 हमारी मदद करी है। मैं सबको एक बार शुक्रिया करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, यहाँ आए हुए लोग, घर पे बैठे हुए लोग जिन्होंने हमें खुले दिल से सहयोग किया, उनको मैं नमन करती हूँ। ये सच में आपकी लड़ाई थी, आपकी जीत थी। हम तो बहुत 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 छोटे लोग हैं। मैं वॉलंटियर्स को, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात, तीन तीन दिन अनशन करा, काम किया, मच्छरों में, धूप में, इतनी तपस्या की कि मेरे पास शब्द नहीं है। इन सारे वॉलंटियर्स को, नाम तो मैं सबका नहीं ले सकती पर मेरी जुबान पे है वो सारे नाम, उन सबको मेरा दिल से सलाम। ये आपकी जीत है। आपने वो कर दिखाया जिसकी कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत सारी एनजीओज हैं जिन्होंने हमारी दिल खोल के मदद की। बहुत बच्चियां आई, बहुत महिलाओं को लेकर एनजीओज लेकर आई। आपने जो किया उसके लिए मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। आप लोगों को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। अस्मिता थिएटर ग्रुप और अरविंद गौड़ जी को मैं नमन करती हूँ। बच्चों ने दो दो दिन अनशन रखा लेकिन उनकी आवाज़ नहीं डगमगाई। 80-80 शो उन्होंने करे, अलग अलग जगहों पे जाके नुक्कड़ नाटक करे। उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस अनशन में इतनी मदद करी, शायद उनके के बारे में किसी को पता भी नहीं चल पाया। संत गोपाल दास जी हैं और मेरे मित्र विकास जी हैं। इन दोनों ने मेरे को हर समय संभाला और हर समय मेरा हौसला बढ़ाया। इन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। इन्होंने मुझे दर्द से लड़ना सिखाया। मैं दिल से इन दोनों को नमन करती हूँ। ये नहीं होते तो शायद मैं इतना ना लड़ पाती। इनकी मैं जिंदगी भर ऋणी रहूँगी। दिल्ली महिला आयोग का सारा स्टाफ और साथ में प्रोमिला गुप्ता जी और सारिका चौधरी जी, जिन्होंने मेरे लिए आंसू भी बहाए लेकिन ये हिले नहीं, बस डटे रहे। इन्होंने जितनी मेहनत करी है, जितनी शिद्दत से मेहनत करी है, उसका मेरे पास बिल्कुल शब्द भी नहीं है। परिवार को मैं अपने बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ। मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ पर उन्होंने हर मोड़ पे मेरी हिम्मत बढ़ाई और इसके लिए मुझे लगता है मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। साथ ही डॉक्टर्स की टीम, स्पेशली डॉक्टर अतुल गुप्ता, जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया। बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुझे उठा के यहाँ पे लेकर जाया जा रहा था लेकिन उन्होंने मेरे टेस्ट्स कराए, ठीक से उन्होंने कम्युनिकेट करा और उसके कारण आज मेरा अनशन इतना लंबा चल पाया। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने खाने का प्रबंधन करा यहाँ पे, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अंत में दिल्ली पुलिस के जितने साथी हैं उनको भी मैं बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ।
मच्छरों में हम तो फिर भी रात में यहाँ मच्छरदानी लगा के बैठ जाते थे। उनसे हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि आप भी मच्छरदानी में आ जाओ, वो मच्छरदानी में भी नहीं आए। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है, दिन रात वो यहाँ पे लगे रहे हमारी सुरक्षा के लिए कि हमें कोई असुविधा ना हो। मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ, पुलिस कमिश्नर का भी मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, यहाँ के DCP का भी मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगर वो चाहते तो मुझे एक मिनट में उठवा के यहाँ से फिकवा सकते थे। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र का सम्मान किया, इसके लिए मैं उनकी ऋणी हूँ, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। बस आखिरी, दिल्ली सरकार के कई विधायकों ने आकर यहाँ पे सपोर्ट किया, मंत्रियों ने आके यहाँ सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने हमारा सपोर्ट किया। मैं इन सबकी ऋणी हूँ, इन्होंने मुझे बहुत मदद करी, इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और केंद्र सरकार ने, जिसने इतने दिन के बाद ही सही, प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने इतने दिन के बाद ही सही अपनी ज़िद्दी बेटी की बात मानी, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ। मेरी तबीयत ठीक है, अभी अगर प्रधानमंत्री जी नहीं मानते तो उनकी ज़िद्दी बेटी अभी और बहुत लंबा ये अनशन चलाती, लेकिन फिर भी मैं उन्हें शुक्रिया देना चाहती हूँ कि वो मान गए और आज ये अनशन टूटेगा। अभी इसके तुरंत बाद, क्योंकि मेरी कुछ रिपोर्ट्स में कुछ कमियाँ आई हैं, तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लेकिन आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, जैसे ही हॉस्पिटल से निकलेंगे हम एक पूरा सिस्टम बनाएंगे, घर घर तक पहुँचेंगे, आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। एक ऐसा हम सिस्टम बनाएंगे कि अगली बार हम बहुत ही जल्दी और बहुत कुछ हम अचीव कर सकें। मैं मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। बहुत लोगों ने कैमरा के बिना आकर मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि बेटा जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं आप सब लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस देश की बेटियों, महिलाओं, पुरुषों की जीत पर एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपकी और इस देश की बेटी स्वाति मालेवाला।